हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नित्या डॉट अर्चना ब्लॉग। आज मैं नित्या को स्कूल में टेस्ट दिलाने के लिए लाई हूँ। हम लोग ये जो कि आप स्कूल का नाम देख रहे हैं, ब्रिजफोर्ट स्कूल है, ये रांची का स्कूल है, रांची में है ये स्कूल, और रांची के बेस्ट स्कूलों में से एक स्कूल ये भी है, ब्रिजफोर्ट स्कूल। तो वहीं पे मैं नित्या का टेस्ट दिलाने के लिए लाई हूँ। तो यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आई हूँ। देखिए कितने लोग आए हुए हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ है, सारे अपने बच्चे लोग कर लेकर आए हुए हैं। और ये बास्केटबॉल खेलने वाले जगह है, वहीं पे है सब लोग, वहीं पे बैठाया गया गार्जियन को, और सबके बच्चे को वहाँ की मैम लोग लेकर गई है अंदर टेस्ट दिलवाने के लिए। अब जब बच्चे टेस्ट दे दिए हैं उसके बाद निकल रहे हैं बच्चे, तो आप लोग देख सकते हैं बच्चे कितने हैप्पी हैप्पी निकलते हैं। बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा ही हैप्पी थे, इसलिए क्योंकि वहाँ की माम लोग ने वहाँ का मतलब बिस्किट वगैरह, बहुत बच्चे को बिस्किट केक जो पैकेट वाले होते हैं वो सब दिए थे, और जो भी क्वेश्चंस पूछे ये लोग बहुत ही अच्छे से आंसर किए मैम ने बताया। और इसका रिजल्ट तो 24 को ही डिक्लेयर होने वाला है, तो 24 को देखते हैं कि क्या होता है नित्या का। और अभी ये फाइनल नहीं है फ्रेंड्स कि मतलब मैं अपनी नित्या का एडमिशन इसी स्कूल में करवाऊंगी। अभी तो बस मैंने रांची के बेस्ट स्कूलों में से 4 स्कूल को चूज़ किया, मतलब 4 स्कूल में फॉर्म भर दिए और टेस्ट बाकी है। तो अभी मैंने सबसे पहले यहाँ का टेस्ट दिलवाया है नित्या का, और अभी 3 जगह का बाकी है, तो मैं वो सब भी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पे जो है हमने अपने टेस्ट दिला दिया है, और देखना है 24 को कि नित्या क्या कर पाती है। और नित्या देखिए कितना ही हैप्पी हैप्पी से बाहर निकल रही है। फ्रेंड्स, तो नित्या का टेस्ट हो चुका है और ये निकल चुकी है देखिए, और इसे केक मिला था, मैम लोग ने इसे केक दिया है, और ये देखिए किस तरीके से केक खा रही है। देखिए केक खा रही है, केक नहीं खा रही। तो अब इसका हम लोगों को रिज़ल्ट का इंतज़ार रहेगा, तो 24 को इसका रिज़ल्ट आने वाली है। तो 24 को बताते हैं कि क्या आता है जितने का रिज़ल्ट में, पास होती है या नहीं होती है। मैम मतलब स्कूल भी ना बहुत ही अच्छा स्कूल है, और नित्या का टेस्ट 9 बजे से ही स्टार्ट था और अभी 11 बज चुके हैं, 11 बजे तक टेस्ट हुआ है। स्कूल देखिए कैसा है। स्कूल काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का कितना ही प्यारा एरिया लग रहा, और जिस तरीके से यहाँ का मतलब डेकोरेट किया गया है, सारे फ्लावर प्लांट्स वगैरह, और देखिए यहाँ पर ट्री भी लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा। और सबसे प्यारा तो यहाँ जो फ्लावर लगे हुए हैं मैरीगोल्ड के, वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, एक लाइन से एकदम लगे हुए थे ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था। और नित्या तो वहाँ जाने के बाद बस फ्लावर तोड़ने में लग गई, और मैंने उसे रोकना स्टार्ट किया कि नहीं तोड़ना है बेटू, वहाँ की मैम लोग देख लेती तो फिर नित्या को डांट पड़ जाता, डांट पड़ता ना, इसलिए नहीं तोड़ना था ना। देखिए यहाँ खड़ी है बस तोड़ने के लिए, और मैंने यहाँ पे मना किया कि नहीं नित्या नहीं तोड़ना है, तब जाकर नित्या मानी है। तब मैंने नित्या को बोला यहाँ पे खड़े हो जाओ बेटा, मैं आपका कुछ पिक क्लिक करती हूँ। तब जाकर नित्या इधर से उधर सारे फ्लावर्स के नाम पूछने और लगी, और ये पूछने के साथ साथ फ्लावर भी तोड़ लेती है। फ्रेंड्स देख लीजिए, फ्लावर्स तोड़ कर दिखा रही है और बोल रही है क्या मम्मा ये मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड का फ्लावर है। तो मैंने कहा नहीं ये तो मैरीगोल्ड नहीं है, मैंने कहा अब तो तुम्हें डांट पड़ेगी। तो देखिए किस तरीके से छिप रही है। उसके बाद मैंने पूछा कि मैरीगोल्ड कौन सा है फ्लावर, तब देखिए नित्या खुद से बताने लगी कि कौन कौन सा मैरीगोल्ड का फ्लावर है। तो उस तरीके से जहाँ तक था वहाँ तक वो बताना स्टार्ट की गई।
तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो बस यहीं तक का है। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नित्या देख रही है कि कोई उसे देख रहा है।